हेलो दोस्तों, यह 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन पहले वीडियो में डिस्कस किया है। आप पहला वीडियो देख सकते हैं और इसमें हम 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी और एसएससी सीएचएसएल के लिए। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है? तो दोस्तों, ओ ब्लड ग्रुप है वह यूनिवर्सल डोनर होता है, और अगर ओ में भी ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दिया हुआ है तो ओ नेगेटिव हम लोग ये ओ नेगेटिव को हम लोग सेट करेंगे, क्योंकि ओ नेगेटिव मतलब हो गया कि उसमें एंटीजन नहीं है उसके रेड ब्लड सेल पे, और पॉजिटिव मतलब हो गया कि उसके रेड ब्लड सेल पे एंटीजन है। तो एंटीजन ही डिसाइड करता है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव नहीं दिया है तो सिर्फ हम लोग ओ को टी करेंगे, अगर उसमें भी ए पॉजिटिव या ए निगेटिव दे दिया है तो हम लोग ओ निगेटिव को टी करेंगे। ठीक, अब आइए देख और आइए देखते हैं इसमें। अब यूनिवर्सल डोनर तो हम लोगों ने देख लिया, तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है? रिसिपिटेंट जो सभी से ले सकता है वो कौन होता है? तो वो आपका हो जाएगा ए बी, ए बी होता है, और ए बी में भी अगर पॉजिटिव निगेटिव दिया है तो ए बी निगेटिव को हम लोग टिक करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट? तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू कौन क्या होता है? आइए इसका आंसर देखते हैं। एवोगाड्रोस कांस्टेंट होता है इस पे, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 6.03 × 10³ होता है। देखिए, अगर निगेटिव आ गया तो नंबर कभी भी इतना निगेटिव में तो नहीं होगा, इस चीज़ से आप क्वेश्चन को उसको छांट सकते हैं। और इसमें देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे 4 दे देता है, तो कभी कभी यहाँ पे 22 दे देता है। तो इस चीज़ से आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो आपको यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे भी 23 होता है, इससे आपको आंसर करने में थोड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, आपको सहूलियत होगी। और अगर इसका सिंबल पूछ दे तो नीचे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है एन ए, एन ए आई एल होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं? तो हम लोग मेंडलीव को कहते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे सेट में मैंने देखा है पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये मेंडलीव होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? अब इसमें कौन सा इनकरेक्ट है ये याद रखिएगा। पार्सेक जो होता है वो डिस्टेंस का होता है, बैरल भी होता है लिक्विड, जैसे हम लोग लिक्विड का हम लोग इससे नापते हैं। जैसे हम लोग कभी भी पेट्रोल का जब दाम होता है तो पेट्रोल का हम लोग दाम को अगर आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि पेट्रोल जो खरीदाता है, हम दूसरे कंट्री से खरीदते हैं, वो बैरल में होता है कि एक बैरल का कितना डॉलर हुआ, इस दो बैरल का इतना डॉलर हुआ। एक्चुअली बैरल होता है, एक बैरल इक्वल टू 24 US गैलन के बराबर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे तो याद रखिएगा तो सही रहेगा। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें आपको लाइट ईयर, अब लाइट ईयर जो होता है वो होता है डिस्टेंस का, लेकिन इसमें दे दिया है आपको टाइम, तो यही अपना गलत है। ठीक, तो अपना गलत कौन सा है? ओनली ए गलत हो जाएगा, वन लाइट ईयर होता है जो कि आपको मेरा डिस्टेंस नॉट एक्चुअली मीन द डिस्टेंस ऑफ द लाइट, हाँ, जो लाइट कवर करता है एक साल में, जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। तो इसमें यही बस ये है कि आप हम लोग को ध्यान रखना है कि वन ये लाइट ईयर जो होता है एक्चुअली ये डिस्टेंस का यूनिट है, टाइम का नहीं। ये लाइट ईयर दे दिया है तो सबको लगता है कि टाइम का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह होता है
डिस्टेंस का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो उसका आंसर है ए CDC 6600 6600। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये वर्ल्ड का है, ये वर्ल्ड का है। ठीक, अगर इंडिया का पूछ दे तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम 8000, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, दोनों याद रखिएगा। एक्चुअली वर्ल्ड का पूछे तो CDC 6600 और अगर इंडिया का पूछे तो परम 800, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मान लीजिए पूछ दिया तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है वो वर्क करता है अपना पास्कल लॉ पे काम करता है। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में थोड़ा अच्छे से हम लोग इसके बारे में जानते हैं, कैसे ये लिफ्ट काम करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग जाइएगा कार धुलवाने जाइएगा तो वहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट देखने को मिलता है। उसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक जगह इस तरह का रहेगा पूरा, ठीक, और इस तरह से पाइप से ये कनेक्ट रहता है, ठीक, और यहाँ पे छोटा सा रहेगा। ठीक, अब होगा क्या, इस पे अपना कार को रख देता है और यहाँ पे एक पिस्टन रहता है जो इसको दबाता है। अब ये काम कैसे करती है देखिए, हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक, और इसको ऐसे लिख दिए, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ पे देखिए एरिया यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे हमको जो प्रेशर लगाना पड़ेगा वह कम लगाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे अपना प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, तो अगर हम प्रेशर एरिया क्योंकि ज़्यादा है तो अपना प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, और यही प्रेशर जो यहाँ पे जितना प्रेशर बनेगा वो यहाँ पे देखिए एरिया कम है, तो यहाँ पे जो अपना प्रेशर बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना एरिया कम है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो हम कम प्रेशर लगा के ज़्यादा भारी चीज़ को आसानी से उठा सकते हैं, यही हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है, यही काम होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट की। ठीक है, तो आप लोग अगर आप कार जहाँ पे कार की धुलाई उलाई होती है अगर वहाँ पे जाइएगा तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ ईमेल। फादर ऑफ ईमेल किसे कहते हैं, ठीक, तो इसको कहते हैं रेमंड टॉमिलसन। इसको एक थोड़ा सा चाहेगा तो ठीक से भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे रे, यहाँ पे टॉम, यहाँ पे सन, तो इसको याद सकते हैं, रे टॉम के सन तुम ईमेल करो, रे टॉम के सन तुम ईमेल करो, एक ट्रिक है अपना अपना, आप अपना तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, अगर आपके पास दिमाग में कोई अलग ट्रिक आ रहा है तो मुझे आया, मैं इसी तरह से याद किया हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ थर्ड। थर्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो थर्ड का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली है, यहाँ पे मैक 8.24 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली मैक नंबर होता क्या है, ये इस चीज़ को हम लोग समझते हैं थोड़ा अच्छे से। मैक नंबर जो होता है इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट मीडियम,
अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। ठीक, अब जैसे मान लीजिए अपना स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअली 330 के करीब में होता है, और उस ऑब्जेक्ट का उसी मीडियम में स्पीड कितना है। अब जैसे मान लीजिए कि अपना मैक नंबर 2 आ गया, ठीक, जैसे कि अब ये मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट जा रहा है और उसका मैक नंबर 2 है, तो मैक नंबर 2 होने का मतलब है कि वो एयरक्राफ्ट, ठीक, स्पीड के लाइट से दुगुना तेज़ी से उसमें ट्रैवल कर सकता है। मतलब अगर इस एयरक्राफ्ट का मैक नंबर 2 है तो कितने से ट्रैवल कर सकता है, 660 किलोमीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर सकता है, समझे, यही मैक नंबर दर्शाता है। तो आप लोग मैक नंबर समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द CaOCl2 दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड एक्चुअली हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक। और इसमें एक और चीज़ जो समझने वाली है वो है कि इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि दिस कंपाउंड इज स्टेबल एंड हायर क्लोरीन देन सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। क्लोरीन जो यहाँ पे आ जाए ना, आपको क्लोरीन तब पूछ दे काम, तो ये ब्लीचिंग वाला ही काम करता है, इस चीज़ को याद कर लीजिए, ठीक। ये ब्लीचिंग का काम करता है क्लोरीन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डज बी स्टैंड फॉर इन BIOS प्रोग्राम विच इज स्टोर इन रोम। तो बी का मतलब होता है आपको बेसिक होता है, फुल फॉर्म देख लीजिए, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसका और थोड़ा सा जो इसमें दिया हुआ है फुल फॉर्म ये सब हम देख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दिया है पोस्ट, तो पोस्ट क्या हो गया आपका, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी भी। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, इसको याद रखिएगा, इसको भी, इसको, ये सभी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कभी पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है। बाय विच मेथड ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो किस मेथड से ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, तो ये होता है अपना फर्मेंटेशन के मेथड से। एक्चुअली फर्मेंटेशन होता कैसे है, तो मान लीजिए ग्लूकोज कन्वर्ट होता है क्या चीज़ में, अल्कोहल में, बीच में अपना यास्ट, ये जो ये करवाता कौन है, तो ये यास्ट जो होता है ये ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करवाता है। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं रिडक्शन को कहते हैं प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें होता क्या है, रिडक्शन में क्या होता है, एक्चुअली किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड में, या सीधे लीजिए किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए अपना Na+ है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, अभी इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, अब Na हो गया, या सिंपल एकदम कंपाउंड हो गया, एलिमेंट हो गया, तो इसमें यह कैसे हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा, ठीक, तब हुआ होगा। एक्चुअली होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक। तो अगर Na+ है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब है, तो हम लोग जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, तो इसमें अपना ये सिंपल एक एलिमेंट एकदम हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट कम हो गया। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं
तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को। आप लोग बहुत अच्छे से इसको एक बार एक दो बार कम से कम इसको सुनिए, तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी इसी तरह का है। व्हाट हैपन व्हेन एन ऑक्सीडेशन इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें देखिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा कब, जैसे मान लीजिए अभी हम Na का लिए हैं, तो अभी हम Na का ही लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपना बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कब, जैसे मान लीजिए बढ़े क्या होगा, Na प्लस होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट एक बढ़ गया, अभी क्या था जीरो था। तो ये कब होगा, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपना कम कर दिया जाएगा। तो जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी प्रोटॉन से, तो एक प्रोटॉन बढ़ गई तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कब बना, जब हमने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग का बी, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से, ये दोनों क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से आप खुद से लिखिएगा भी, और दो बार तीन बार सुनिएगा, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज पॉलीग्राफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉलीग्राफ हम लोग लाई डिटेक्टर के, लाई डिटेक्टर से चेक करते हैं, वो हाथ पैर में लगा देते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और एक ग्राफ बनता है। अगर वो ग्राफ सही है, मतलब एक ही तरह का ग्राफ बार बार आ रहा है, तो आप सही बोल रहे हैं, तो अगर ग्राफ गड़बड़ हुई तो आप गलत बोल रहे हैं। एक्चुअली ये रॉ मूवी में दिखाया भी गया है, रोमियो अकबर वाल्टर, इस मूवी में दिखाया भी गया है, पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है जॉन अब्राहम का। अगर इस मूवी देखेंगे तो आपको पता होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ठीक। तो प्लॉटर इज नॉट इनपुट डिवाइस, ठीक, और सब इसमें इनपुट डिवाइस है, ठीक। ऑप्टिकल ओ एम आर शीट हम लोग जानते हैं, हम लोग एग्जाम देते भी थे ओ एम आर शीट पे, बार कोड से भी हम लोग इनपुट करते हैं कोई चीज़, तब खुलता है। और प्लॉटर जो है वो अपना आउटपुट डिवाइस है, इस चीज़ को याद रखिएगा, प्लॉटर इज नॉट इनपुट डिवाइस, रहता नहीं चीज़ें आउटपुट डिवाइस, इस चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्लॉटर अपना आउटपुट डिवाइस है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जे थॉमसन क्या किया है, ये हम लोग सभी को जानते हैं, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन नाम कौन दिया था ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एस्टोनी, तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन वर्ड का नाम दिया था उसका नाम था जॉन एस्टोन एस्टोनी, याद रखिएगा, लास्ट में उसका नाम है एस्टोनी, ये कभी पूछ सकता है। डिस्कवर तो जे थॉमसन ने किया था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था उसका नाम था जॉन जे ओ एच एन एस टी ओ एन ई, जॉन एस्टोन एस्टोनी, तो ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। इन एम आई सी आर व्हाट डज आई स्टैंड फॉर, तो दोस्तों आई ये ऊपर भी हम लोग देखे हैं, इसका आया हुआ था क्वेश्चन में, आई स्टैंड फॉर इंक, आई स्टैंड फॉर इंक। तो आइए इसका फिर से एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या होता है एम आई सी आर, सी आर का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है। मिनमाता डिजीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर कॉज बाय ईटिंग फिश पॉल्यूटेड विथ, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। इसका आंसर है मरकरी, ठीक। मिनमाता डिजीज जो हुआ था वो फिश खाने से हुआ था, और वो फिश क्या चीज़ से पॉल्यूटेड था, मतलब वो फिश क्या चीज़ खाया हुआ था, तो वह मरकरी खाया हुआ था, ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द गेंट पांडा, गेंट पांडा का साइंटिफिक नेम क्या है? तो गेंट पांडा का साइंटिफिक नेम है, ए इसका आंसर है एल्यूरो पोंडा मेलनोल्यूका। इसको इसमें याद रखिए, देखिए पोंडा दिया हुआ है, पोंडा इस चीज़ से याद रखिएगा इसको, ठीक। ये गेंट पांडा का है, पोंडा दिया हुआ है, मतलब गेंट पांडा के साइंटिफिक नेम में पोंडा है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप, इससे आपको क्वेश्चन आंसर देने में आसानी रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट 41 से लेकर 60 तक का, 60 तक जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, इसमें आयरन का कौन सा है, ओर कौन सा है? तो ओर इसमें है सेडराइट। सेडराइट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? FeCO3, ठीक, FeCO3, ये आयरन का सेडराइट है, सॉरी ओर है, इस चीज़ से याद रखिएगा। गेलेना होता है दोस्तों PbS, तो ये लीड का हो जाएगा। डोलोमाइट याद रखिएगा Mg का और कैल्शियम का होगा। इप्सम भी मैग्नीशियम का होता है, इसको भी याद रखिएगा, ये सब चीज़ का होता है। तो ये दोस्तों ये लास्ट वीडियो, ये यहीं पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट जो आपको 41 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और मैंने 20 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया है, वो अपलोड है, आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा। टोटल दोस्तों यह 100 क्वेश्चन का सीरीज है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है NTPC के लिए और CHSL जनरल साइंस का, सिर्फ जनरल साइंस का, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, आप लोग को वीडियो में क्या चाहिए, इस बात को कमेंट कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि वीडियो अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है। तो थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।